करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज अभी मैं आया था घर से गाड़ी वॉश करवाने, तो सोचा गाड़ी के अंदर विंडोज़ वगैरह पे लाइट करवा दूँ और आगे डैशबोर्ड पे भी लाइट करवा दूँ। तो वो मैं आया था बिडोर में ग्रेई कार एक्सेसरीज में, तो ये अपने कजन्स की है तो उनसे भी मिलाऊँगा आपको। अभी मैं गाड़ी पहले वॉश करवा लूँ, तो बाहर चल रही है वॉशिंग, तो बाहर चल के आपको वॉशिंग दिखाता हूँ। उसके बाद ग्रेई कार एक्सेसरीज में जाएंगे, वहाँ से थोड़ी जो लाइट वगैरह वो डलवानी है, तो उसके बाद मिलते हैं आपको। जो कहीं जाएंगे घूमने वगैरह तो वो भी दिखाएंगे आपको, और संडे भी है, देखते हैं कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। तो चलते हैं, लेट्स गो। अगर आगे आ गए हूँ वॉशिंग वगैरह, तो अब मैं आया हूँ वो लाइट डलवाने। वो लाइट रही, वो लाइट कहाँ पे है जो विंडो में लगती है, जो साइड पे विंडो में नहीं लगती है। तो गाइस ये वाली लाइट है जो बड़ी प्यारी लगती है विंडो वगैरह में, ये डलवाने हैं वो लाइट। तो ये है ग्रेई कार एक्सेसरीज, ओहो साथ नुकसान भी होता जा रहा। तो ये यहाँ के ऑनर सनम भैया, क्या हाल है? तो अगर सनम भैया मेरे नाम पे यहाँ पे कोई कस्टमर वगैरह आएगा उसको डिस्काउंट मिलेगा नहीं? तो सबसे ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे रजौरी में भी सबसे ज़्यादा एसेसरीज मिल रही है वो सनम भैया के पास ही है। तो यहाँ पे आके विजिट करो, काफ़ी अच्छी एसेसरीज है, साथ में वारंटी भी देते हैं। तो यहीं पे आके लाइट्स लगाओ। अब मैं लाइट्स लगवाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे आकाश भी है, उनसे भी मिलवाता हूँ आपको। तो देखते हैं वो कैसी लाइट्स की फिटिंग वगैरह करते हैं। तो चलते हैं बाहर, मैंने गाड़ी लगा दी, अभी इनको रश वगैरह काफ़ी पड़ा हुआ है, तो मेरी गाड़ी बस वो कपड़ा मार रहे हैं अभी, तो कपड़ा मार के आती है फिर मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ के आकाश भाई जम्मू पूरी में फेमस है। आकाश भाई क्या हाल है? ये पूरे जम्मू में फेमस है, अभी रजौरी में आग लगाई हुई है इन्होंने। तो यही मेरी गाड़ी की लाइट फिटिंग कर रहे हैं, तो अभी मैं गाड़ी पे बाहर लगी हुई है, कर दिया काम स्टार्ट। बस मैं अब गाड़ी में दिखाता हूँ लाइटिंग हो जाएगी फिटिंग, मैं फिटिंग आपको दिखाता हूँ फिर। काफी तगड़े मिस्त्री है, किसी से भी कॉन्टेक्ट करना हो तो आकाश भाई से कॉन्टेक्ट करो। कोई भी गाड़ी में फॉल्ट होगा तो हर फॉल्ट बता सकते हैं, इतने इनको नॉलेज है। तो जम्मू में तो इनका नाम चलता था, अब रजौरी में इनको ले आए सनम भैया। तो देखते हैं बाहर कितना काम हुआ है, तो फिर अर्जेंट बाहर गर्मी है तो मैं इसलिए बाहर नहीं जा रहा हूँ। जब हो जाएगा बाहर तो तब जाऊँगा बाहर, पूरा देखूंगा गाड़ी की फिटिंग लाइट्स कैसी हुई है, तो फिर मैं वो वीडियो लूँगा तो फिर दिखाता हूँ आपको। लाइटनिंग हो चुकी है, तो अभी मेरे साथ हैं मेरे बिलाल भाई। बिलाल भाई क्या हाल है? तो अब मैं बताता हूँ लाइटनिंग हो गई है, तो कैमरा बैक करके दिखाता हूँ। लाइटिंग वगैरह आकाश भाई ने कंप्लीट कर दी है, तो आकाश भाई ने कंप्लीट कर दी लाइटिंग। तो सबसे पहले देखो ये इस विंडो पे किया है, सारी विंडो पे ऐसे की है, बट काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो जब ये ऑन होगी, ऑन मैं रात को दिखाऊंगा अगर ये ब्लॉग मेरा कंटिन्यू, नहीं तो अगले ब्लॉग में पक्का दिखाऊंगा। और ये लाइट भी किया इन्होंने चारों डोर्स पे, तो उसके बाद सबसे पहले मैं दिखाता हूँ दिखाना क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले आकाश भाई ने यहाँ से आगे ये किया है, उसके बाद ये पूरी काफ़ी बढ़िया लग रही है, लेकिन जब ये ऑन होगी तभी पता लगेगा कैसी लग रही है। उसके बाद ये साइड्स पे इसके यहाँ पे किया, और ये विंडो पे किया है, थोड़ा सा मैंने सोचा सनरूफ पे भी करवा ले, सनरूफ पे भी करवाई है, तो यहाँ पे भी काफ़ी प्यारी लग रही है, अब दिख रही होगी आपको। तो और चारों विंडो इस पर भी ये लाइट्स भी लगवाई हैं, और गाड़ी तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, लेकिन अब ये ऑन होगी तभी पता लगेगा। तो ये रहे हमारे आकाश भैया। आकाश भैया कैसा कैसी लगेंगी लाइटें, आप क्या कहते हो? अच्छी लगेंगी भैया। पक्का? पक्का। चलो ठीक है, आकाश भाई ने कहा तो अब देखते हैं अच्छी लगेंगी ना लगी, फिर भी क्या ही कर सकते हैं अब हम। नहीं लगेगी अच्छी, बट रात में दिखेगी नहीं। चलो ठीक है आकाश, ओके काम खत्म, अब हम जा रहे हैं वापस। तो बिलाल जी पहले से ही बैठे हुए हैं गाड़ी में, तो अब हम जाएंगे पहले, सबसे पहले पंचर लगवाने जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे गाड़ी वॉश तो करवा दिया है, क्या करवाने, पेट्रोल डलवाने। तो चलते हैं, लेट्स गो। लगवा दिया तो तेल भी डलवा रहा हूँ, अब तेल बढ़ने के बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो सोच रहा हूँ अब कुछ खाने वगैरह जाएं, तो चलते हैं देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। गाड़ी पार्क करके आया हूँ, तो अब बिलाल बोल रहा है मुझे उसको घर से बुला गए, तो वो काम चला गया घर पे, तो अभी मैं दुकान पे आया था, यहाँ पे बैठे हुए हमारे मागरे भाई, क्या हाल है भैया? तो हमारे शाफिन भाई क्या हाल है? तो हमारे दवा ने नाम ली फेरोज भाई, रजौरी पॉलिटिशियन है, काफी नाम दबदबा है इनका रजौरी में। फेरोज भाई आपके क्या हाल है? और भाई के लिए कोई सब्सक्राइब वगैरह के लिए थोड़ा बोलो ना, भाई को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ग्राउंड भाई को। तो गाइज अभी ये लोग भाई वगैरह आए हुए मेरी शॉप पे, तो अब देखते हैं क्या करते हैं, ये बोल रहे होंगे कहीं पे चलते हैं, भाई लोग भी आए, अब देखते हैं क्या करना क्या नहीं करना है। तो देखते हैं जो होगा बताते रहेंगे आपको साथ। तो हमारे वसीम भाई वो बाहर बैठे हैं, वसीम भाई क्या हाल है आपके?
और सब बढ़िया। तो देखते हैं अब क्या करते हैं क्या नहीं करना, तो जो करेंगे आपको साथ साथ बताते रहेंगे। मुझे लग रही थी भूख, तो मैं वो लोग दुकान पे बैठे हैं तो वो अभी बोल रहे हैं कहीं और चलेंगे, तब तक मैंने सोचा मैं खाना खा के आऊँ, तो इधर आया था घर पे, तो यहाँ से फिर जाऊरिका के पास आ गया बिरयानी खाने, तो बिरयानी ले लिया मैंने, तो बिरयानी खा लेते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर जाएंगे फरवान भाई और उनके पास, देखते हैं वो क्या बोलते हैं, कहाँ चलना है, अगर कहीं गए तो फिर बताऊँगा, नहीं गए तो फिर वहीं पर ब्लॉग को एंड कर दूँगा। तो बिरयानी खा के फिर जाता हूँ दुकान पर। दुकान पर तो यहाँ से सब लोग चले गए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे फैसल भाई यहीं थे, तो फैसल भाई बोल रहे हैं भूख लगी हुई है, तो मैंने उनको बोला यहाँ पे काफी फैसिलिटीज रखी हुई है कादरी ग्रुप ऑफ बिजनेस में, तो हम आपको भी कॉफी पिलाते हैं। भाई जन खुद बिरयानी खा गए हैं अकेले के लिए, अकेले के लिए यहाँ पे सब लोग थे, और मुझे घर से कॉल जा रही थी कि जल्दी आ खाना खा, तो घर वाले ने बोला उधर जाके खा लो, तो मैं वहीं पे चला गया खा लिया मैंने। तो अब पीते हैं कॉफ़ी, अगर उसके बाद कुछ इंटरेस्टेड होता तो वो आपको बताते हैं। दुकान बंद करके फ्री हो गया था तो मैं अभी आया, तो ये मेरे सब्सक्राइबर दोनों छोटे भाई, हेलो कर दो, सारी वीडियो देखते हैं, ये मेरी सारी वीडियो देखते हैं और ये मुझे रोज़ पूछता है कि आपकी वीडियोज़ कब आएगी। मेरे सब्सक्राइबर, इनको मैं क्या खाओगे, इनको आप चॉकलेट लेके दूंगा यार, जब सब्सक्राइबर मिलते हैं बड़ा खुशी महसूस होती है, तो इनको मेरी तरफ से ये चॉकलेट्स आपको और आपको, इसी तरह आप भाई सपोर्ट करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है, थैंक यू। तो गाइज अब मैं जाता हूँ घर पर, देखता हूँ अगर कुछ और इंटरेस्टेड होता वो भी आपको साथ साथ बताते हैं। तो अभी मैं आया था अपनी छत पे, तो यहाँ से ना पूरी रजौरी का व्यू दिखता है, तो ये भी दिखाता हूँ आपको कैमरा बैक करके। छत का ना काफ़ी अच्छा व्यू है, तो मेरा व्लॉग भी, ये मिनी व्लॉग था मेरा, व्लॉग यहीं तक था, तो आई होप आपको ये वाला व्लॉग भी पसंद आया। तो यार मेरे गाइस जल्दी जल्दी 1K करवा दो यार, और इस व्लॉग को भी लाइक कमेंट एंड शेयर करो यार, सब्सक्राइब भी करो चैनल को जल्दी जल्दी, बस 1K करवा दो, इसी तरह आते रहेंगे कंटिन्यू, तो बस सपोर्ट करते रहो यार, थैंक यू।